पक्का कर रहा है, मैंने कई बार कमेंट करके भेज दिया मैंने। तो राम राम भाइयों, भाई साहब जी, मेरा पहला ब्लॉग। वैसे मेरे ब्लॉग ब्लॉग बनाने तो आते नहीं, लेकिन भाई साहब जी, मैं एक दिन बैठा था अलहमदुल्ला रहा हूँ, तो एक दो तीन दोस्त थे मेरे, उन्होंने मुझे कहने लगे, यार तेरी बोल भाषा बड़ी बढ़िया सी लग, तो एक काम कर, तू ब्लॉग बनाने लग। चल भाई देखेंगे ब्लॉग बनाएगा। तो भाई आज पहली बार मैं ब्लॉग बनाना जा रहा हूँ। तो भाई ये मेरा पहला ब्लॉग है, इसमें भाई फिलहाल तो भाई मैं खेत में आया, देखो बरसी काटन आया। अब बरसी काट के फिर भाई घर जाऊँगा, डंगरों खतर घास घूस करूँगा। तो चलो तो पहले बरसी दिखा दूँ, बरसी क्या चीज़ हो। देखो भाई यह जो खड़ी है इसका नाम है बरसी, इसे मतलब काट कर ले जाएंगे हम, फिर अपना डंगरों गिरेंगे जाएगा। वैसे भी ठंड हो रही है आज, वैसे बहुत ज़्यादा जड्डे में, वैसे भी हाथ पाँच जाम हो रहे, काम नहीं कर रहे लेकिन क्या करें भाई, काम तो करना पड़ेगा, अपने काम खतर तो करना पड़ेगा सब कुछ, दो रोटी का जुगाड़ भाई। तो भाई मैंने यहाँ बरसी अपनी काट कर धर ली, अब जा काट के से मोटरसाइकिल पर अपना चलूँ ले कर घर, और भाई घर जाकर अपने डंगरों के रंग काट कूट का। और मौसम का देख ठंडा हो रहा है भाई, पीछे खेत है गेहूँ का, इसमें गेहूँ बोए जाएंगे भी, तो बैग गिरा आयो हैरो तो बाया आयो, बुगला फिर रहा दिक्कत हो रहा ना, बुगला नहीं आया तो चिड़िया चाड़िया सी घूमो जा यहाँ खेतों में। तो भाई मैंने गड्डी अपनी मोटरसाइकिल पर बांध लिया, अब हम लेकर चलते हैं इसे घरों, घर चल के सर काटेंगे डंगरों के रंग फिर अपना। तो चलो फिर अपना घर चलते हैं, और क्या थी। तो भाई अब जब हम घर आ गए अपना, गठड़ी गुठड़ी घास घूस लेकर अपना, घास घूस अब जब काटेंगे, ये हमारा घास पड़ा है। और भाई इसकी खतर घास आया, घास तेरी खतर आया, रीक लग जा रीक का बता रही हम, घास आ चुका है, मुझे जल्दी जल्दी घास गिरो, जल्दी जल्दी मुझे घास खाना। तो भाई चलो अब घास काटेंगे फिर, और क्या थी निपटाऊंगा हम से अपना। भाई घास काट के हमने गेर दिया अपने भैंस भाई साहब को, अभी वो खाओ जाए खड़ी, खाने के बाद थोड़ी देर में उसे भीतर बांध देंगे छावे में। तो मैं छावा दिख जो इसका घर है यो हो इधर दिखते इसमें, तो जो भाई इसका घर है वो यो है, देखो यहाँ बंद है गया छावे में, ठंड नहीं लगने की से मेरी तरफ को देख रही है, जल्दी जल्दी मुझे बंद हो। और ये हमारा मित्र है, एकमात्र मित्र इसके कोने में, थोड़ी मेहनती बहुत हो हाँ सारे मैच जितना टोट गई थी। ड्रीम इलेवन के मुद्दों पर बात करते हुए हम यहाँ पर तो हार में जीत में जा दो लॉस में कहते हैं कि लॉस में तो लगा दो पता नहीं था लॉस में चला तेरे खिलाड़ी खेलने का यार ड्रीम में धोखा कर रहा है, मैंने कई बार कमेंट करके भेज दिया मैंने, 800 रुपये दे आखिर में 1100 जीते थे तो कितने बचे 300 300 रुपये भेजने मैंने, उन्होंने कमेंट भी लिखा मैं 300 रुपये भेज दो 800 दे दी चलो ना, मगर हम सर्च कर रहे हैं बता रहे हैं क्या बता रहा है 300 दे दी आगे कोई दिन की हाँ तो लगाते ही मैं कहते कम भी किसी मतलब मैं बोलो 300 रुपये ना देने हैं टैक्स काट लेगा ना पता नहीं बताया ना मुझे भेज दें तो 30% टैक्स कटो तो नहीं होता तो 30% का जीत पकाया था उसमें भी ट्रोल कर काटा हुआ अच्छा तेने पैसे जीते वहीं ने दिए उन तीन करे तो क्या चल रहा है BBL
अरे इंडिया में कितना मजा आएगा, सिराज ने 6 विकेट ले लिए उस्ताद। बस सिराज ना साथ कर दे, पिछले मैच में उन्होंने कुछ भी नहीं करा, एक पारी तैरे दिखे हैं। सब कहने रहा था कि साहब बराबर एक पारी तैराना चाहे ना। मैं पहला पुरानी फिल्म देखी थी ना, मिथुन वाली, मिथुन वाली जा कोई और पहला छेता तब आया छेता पूरी मार फिर पता नहीं क्या बिकॉज गुंटी सी पीवा गुरावे फिर पीवा पिया मार चक्की सही है। तो एक काम नहीं कहा होगा आज पता 50 रन 55 रन प्याल उठ मैं आज निकाल दिया। अच्छा होता है, अच्छा तूने देखा होगा जब भी ये 50 55 रन किसी को आउट करा ना उस मैच में साला सिराज ही गिट ले। हाँ यार यही तो बात है, सिराज की यही तो बात है, 55 रन तो पहले ही करता आउट, 60 तो पहले ही नहीं हवा दे लो तो बस श्रीलंका दो रन करी ना ले। तो भाई अब जाएगा हमारा डिनर का टाइम, अब देखो भाई डिनर में क्या बन रहा है, हमारा अब भूख लग रही तगड़ी, टाइम होगा बढ़िया, अब देखो भाई। तो यो भाई हमारे भगोने में आ रहे, वाह माँ के हाथ की स्वादिष्ट खिचड़ी बन रही भाई, इसमें तो मजा आएगा गरम गरम भाई। अब जा खाना खाएगा अपना, पड़को सोएंगे आराम से, नींद लेवाएंगे रात को, वैसे भी ठंड हो रही बहुत तगड़ी, तब भी भाई अपना कपड़े कपड़ों में पहुँचो आराम से और नींद लो तब का। अब भाई आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं, वहीं मिलेंगे अपना और क्या थी, ठीक है भाई, अच्छा भाई तब तो राम राम।